नमस्कार दोस्तों, वर्धमान एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है सूर्य ग्रहण। क्या होता है सूर्य ग्रहण, क्या होता है इसका प्रभाव और क्या है इसके उपाय, और साथ ही 26 दिसंबर 2019 के सूर्य ग्रहण का समय, सूतक का समय और उसके उपाय भी हम जानेंगे। आज हम जानेंगे तुला राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। दोस्तों, सूर्य आत्मा के कारक हैं, ये हमें दैनिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं और हमारी अध्यात्म की प्यास को भी बुझाते हैं, इसलिए ये आत्मा के कारक हैं। सूर्य सात्विक प्रवृत्ति व राजतंत्र के भी कारक हैं। सभी छोटी बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट हम सूर्य से ही देखते हैं। सरकार में स्थान मिलने के कारक भी सूर्य ही हैं। इसके अलावा आत्मविश्वास, सामाजिक कार्य व व्यवहार कुशलता, आंखों की बीमारी, हड्डियां, पिता से संबंधित कार्य, प्रजातंत्र में उच्चाधिकारी और हमारे पूर्वजों के कारक भी सूर्य ही हैं। सूर्य जब कमजोर होते हैं तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, पिता से संबंध खराब हो जाते हैं, काबिलियत होते हुए भी वह व्यक्ति सरकारी पद प्राप्त नहीं कर पाता, आंखों में तकलीफ, हड्डियों में कमजोरी होती है। कुंडली में जब भी सूर्य के साथ राहु या केतु आ जाते हैं तब यह ग्रहण दोष बनता है। ऐसे इंसानों का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है और जीवन में इस कारण से उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में, सामाजिक विषयों पर तथा मान प्रतिष्ठा में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर केतु व शनि पहले से ही मौजूद हैं। साथ ही बिल्कुल सामने से राहु की दृष्टि भी है और सूर्य इस राशि में 14 जनवरी तक रहेंगे। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे हम सूर्य की मकर संक्रांति भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप सब पर 14 जनवरी तक सूर्य ग्रहण का असर रहने वाला है, ना कि सिर्फ 26 दिसंबर को। घबराने की बात नहीं है, अपने प्रभु को याद करते रहिए, सब ठीक रहेगा। इस दौरान आपको देश में राजनीतिक उथल पुथल व जगह जगह अशांति व झगड़े भी देखने को मिल सकते हैं। 26 दिसंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण साल का तीसरा व अंतिम सूर्य ग्रहण है। यह सुबह 8:17 से लेकर सुबह 10:57 तक रहेगा। यह कुल 2:40 तक रहेगा। इस ग्रहण का सूतक का समय 25/12/2019 अर्थात एक दिन पहले शाम 5:32 से लेकर ग्रहण के समय यानी 26/12/2019 की सुबह 10:57 तक रहेगा। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना बहुत अच्छा उपाय माना जाता है और इस दिन अमावस्या भी है और अमावस्या पर भी यह सबसे श्रेष्ठ व उत्तम उपाय माना जाता है। पितृ शांति के लिए यह सबसे उत्तम समय व सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब हो तो उसकी शांति के लिए यह सबसे उत्तम उपाय होता है। जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष है उन्हें ग्रहण के समय अपने वजन के बराबर हरा चारा गायों को अवश्य खिलाना चाहिए, जिसे हम तुलादान भी कहते हैं। अगर सामर्थ्य ना हो तो सामर्थ्य अनुसार तो खिलाना ही चाहिए। तो अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और उन्हें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण तीसरे भाव में होगा और तीसरा भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहन का व छोटी यात्राओं का होता है। भाग्य स्थान पर दृष्टि है, जो धर्म का, पिता का और भाग्य का स्थान है। लाभ भाव में सूर्य की राशि आ रही है तो आपको अपने द्वारा किए गए साहसिक कार्यों में कमी देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहन से अपना व्यवहार अच्छा रखें, विवाद की स्थिति बन सकती है, धार्मिक यात्राओं में कोई अड़चन आ सकती है, पिता से संबंधों में खटास पैदा हो सकती है, भाग्य का साथ मिलना कम हो सकता है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लाभ में कमी कम हो जाएगी और भागदौड़ बढ़ जाएगी। ऐसे में अपने शरीर पर भी पूरा ध्यान देना होगा। माँ दुर्गा की नित्य आराधना करें, सब ठीक रहेगा। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल वर्धमान एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सकें। धन्यवाद।